आज हम बनाएंगे गुड़ की खीर, एकदम रबरीदार, मलाईदार, गाढ़ी और बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ की खीर। अगर आपकी गुड़ की खीर फट जाती है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिससे आपकी गुड़ की खीर कभी भी नहीं फटेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें ना तो आपको मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, ना ही दूध को ज़्यादा उबालने की ज़रूरत है। मिनटों में ये खीर बनकर रेडी हो जाती है। तो गुड़ की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चावल लिया है। मैंने यहाँ पे छोटे कोलम राइस का इस्तेमाल किया है। चावल को हम दो तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए चावल को भिगो के रखेंगे। इससे चावल अच्छे से फूल जाएगा तो हमें खीर बनाने में समय भी कम लगेगा। तब तक हम दूध को उबाल लेते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। थोड़ा सा हम इस तरीके से कढ़ाई में घी लगा लेंगे, इससे दूध नीचे चिपकेगा नहीं और इससे खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पैकेट वाले गाय के दूध का यूज किया है। हमें इसके लिए फुल क्रीम दूध लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको खीर बनाने के लिए बताने वाली हूँ वो आप पतले दूध से भी रबड़ीदार खीर बना सकते हैं। हाई फ्लेम पे हम दूध में एक उबाल आने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि दूध नीचे चिपकेगा नहीं। वैसे भी कढ़ाई में हमने घी लगाया है तो दूध नीचे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे दूध में एक उबाल आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पे चावल को भिंगोते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे से टूट रहा है। चावल बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। खीर बनाने के लिए हम चावल से सारा पानी निकाल लेंगे। अब हम चावल में एक चम्मच घी डालेंगे, इससे खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और चावल बहुत ही जल्दी पकेगा और इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। अब उबलते हुए दूध में हम थोड़ा सा केसर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी खीर में और साथ ही में इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये जो साइड में मलाई आ रही है उसे हम इस तरह से निकालते हुए दूध में मिलाते जाएंगे, इससे दूध में गाढ़ापन आएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। अब सोख किए हुए चावल को हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब चावल जब आधा पक जाएगा तो अब हम बिना मिल्क पाउडर के खीर को गाढ़ा करेंगे। हम लेंगे एक बड़ा चम्मच खीर और इसे ठंडा होने देंगे। ग्राइंडिंग जार में डाल के खीर का बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के हमें तैयार करना है। जब चावल आधे पक जाएं, आप चावल को इसी स्टेज पे पीस लीजिएगा, इससे खीर में तुरंत ही गाढ़ापन देगा। अब चावल को जो हमने पीस के रखे हैं उसे हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे घंटों बिना उबाले खीर हमारी एकदम गाढ़ी हो गई है। चावल भी हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करेंगे। अब खीर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, किशमिश लिए हैं, बादाम लिए हैं, 4 से 5 छोटी इलायची ली हैं। पैन में हम एक चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से इसका स्वाद दुगुना हो जाएगा। तो अब हम इसे खलबट्टे में डाल के इसे दरदरा कूट लेंगे।
अब खीर में गुड़ डालने के लिए हम गुड़ को थोड़ा सा पिघला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब गुड़ लिया है, इसे हम अच्छे से पिघला लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब खीर को हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे, इससे खीर फटेगा नहीं। गुड़ को हम खीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे हम डाल देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी गुड़ की खीर बनकर तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा रखना है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी रबरीदार मलाईदार खीर बनकर तैयार है। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखा आपने, बिना मिल्क पाउडर डाले और दूध को हमने ज़्यादा उबाला भी नहीं और बहुत ही टेस्टी गुड़ का खीर बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको खीर की थिकनेस दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी बनी है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।